लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हासिल हो सकती है। आज ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। इसके बाद पीएम न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी की दोनों राज्यों में अपनी सरकार बचाने में कामयाब होती दिख रही है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी और उसके सहयोगों को 205 सीटें मिल सकती है। वहीं कांग्रेस और उसके सहयोगों को 55 सीटें में हाथ साफ करना पड़ सकता है। अन्य खाते में 28 सीटें जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी समस्या पानी और रोजगार है। वही महाराष्ट्र में बीजेपी को 120 से 130 सीटें मिलने का अनुमान है। वही इसके सहयोगी दल शिवसेना को 50 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यह अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस ने 2014 में 55 सीटें जीती थी, लेकिन अब वो 25 सीटों पर सीमित हो जाएंगी। वही राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी बहुत कम नुकसान हो सकता है, वो 35 से 40 सीटें जीत सकती है। वही सीएम की पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस को बताया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने शासनकाल में बहुत अच्छा काम करते हुए अपने महाराष्ट्र को सुखी और संसारी बनाया था। वही हम आशा करेंगे कि हमारा